हेलो, दिस इज अविनय शर्मा हेड। वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और प्रीलिम्स की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? यूपीपीसीएस का हम 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं अपना, और आज हम 25-30 क्वेश्चन, यानी कि 2021 वाला जो पेपर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, क्या है अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत? सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा या बायोगैस? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है भैया अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत। देखिए, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ना, भूमिगत रॉक संरचनाओं द्वारा जो है फंस गया है। ये कुछ स्थानों पर तेल जो है जमीन से बाहर निकलता है, जैसे लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। इसमें क्या है कि लैब्राडोर पिट्स में मोटे तेल के बड़े पूल जमीन से ऊपर उठते हैं, और हजारों साल पहले फंसे जानवरों के अवशेष अभी भी टार में संरक्षित है। तो ये अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद है 1920 में निम्नलिखित देशों में से किससे जो है भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है? भारत का व्यापार शेष आधिक्य किस देश से सर्वाधिक रहा है, किससे रहा है? ये रहा है यूएसए से। अब इसमें रिपोर्ट क्या है, आंकड़े आए हैं आरबीआई के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। जून को जो है समाप्त तिमाही में भारत के चालू खाते की जो शेष राशि में 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर या जीडीपी का 0.9% का अधिशेष दर्ज किया गया था, इसलिए यूएसए है। फिर है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था सिविल सेवाओं में? ये किया था 2004 में। ठीक है, ये सिविल सेवा सुधार जो 2004 था, इस समिति ने सिफारिश की थी कि कौशल, पेशेवर उत्कृष्टता और करियर योजना के अधिग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए सिविल सेवकों के लिए डोमेन असाइनमेंट स्टार्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर एक कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई कौन से शहर में हुई, कहां पर हुई कार्बन क्रेडिट की अवधारणा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई। ठीक है, इसके बाद होता हमारा अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ये रहा, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, ये रहा, एक सेकंड। सातवाहन शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट दी हुई है? सातवाहन नरेश जो है प्राकृत भाषा के पोषक थे, ये चीज इसमें बोली है। प्राकृत भाषा के पोषक वो नहीं थे शायद, या फिर थे, आप लोग बताएं मुझे। और दूसरा है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। जो सातवाहन नरेश थे, सातवाहन वंश था, वो उनकी राजभाषा प्राकृत तो थी, तो इसका मतलब ये तो सही होगा। और दूसरा है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। हाँ जी, ये भी मिला है, क्योंकि ये स्वर्ण युग था और इसमें जो सभी अभिलेख थे वो प्राकृत में ही जारी थे, तो प्राकृत राजभाषा हो गई और दैनिक उपयोग की भाषा और साहित्य की भाषा भी थी, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? कौन सा प्रकार है भैया जो पराबैंगनी किरणों को काटता है? क्रूक्स कांच। ठीक है, ये एक प्रकार का कांच जिसमें सेरियम और दुर्लभ पदार्थ होते हैं इसमें, और पराबैंगनी विकिरण का जो है उच्च अवशोषण होता है। धूप के चश्मे में इसका प्रयोग किया जाता है। कुटिल कांच का एक कुटिल कांच जो है एक तरह का विशेष प्रकार का कांच आप कह सकते हो। इसमें जो है सोडियम ऑक्साइड यानी CO2, और कुटिल कांच जो है पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। ठीक है, इसके बाद है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवने दी हुई हैं और उनके स्थान दिए हैं। देखिए, लेवेस जो है स्पेन में चलती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ये भी ठीक है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ये भी ठीक है। शामल ऑस्ट्रिया, ये ठीक नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शामल। शामल कहाँ चढ़ती है? ये चलती है इराक और फारस की खाड़ी के राज्यों पर बहने वाली उत्तर पश्चिम हवा है। ये शामल कहाँ पर बहती है? ये इराक और फारस की खाड़ियों पर बहने वाली, जैसे जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इन सब पर बहती है ये, यहाँ पर ऑस्ट्रिया नहीं है ये। ठीक है, तो ये चीज की गलत हो गई। इसके बाद है सूची वन को टू से सुमेलित कीजिए। राज्य दी गई हैं और उनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, किसमें किसका ज्यादा है, किसमें किसका कितना है। देखिए, राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा में, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सुमेलित हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। गुजरात में है 11 सीटें, ये रहा गुजरात में 11 सीटें। कर्नाटक में है 12 सीटें, ठीक है, और पंजाब में है 7 सीटें। ये हो गया आपका, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है,
है 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैड लैंड का निर्देश किसने किया था? किसने किया था भैया? ये किया था श्लोए झाओ ने। किसने किया था? श्लोए झाओ। और फिर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थान दिया है, जनजाति दी है, अलास्का, कोरियाक। देखिए कोरियाक जो है ना, ये रूसी सुदूर पूर्व के स्वदेशी लोग हैं, ठीक है, जो कमचटका क्राय में, कमचटका प्रायद्वीप के उत्तर में रहते हैं और बेरिंग सागर के तट पर निवास करते हैं। तो यही वाला सही नहीं है, बाकी बोर्नियो पुनान बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अरब मरुस्थल, रुवाला और स्वीडन फिनलैंड, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अब इसके बाद आता है हमारा, एक सेकंड छोटा करके फिर से दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। फिर है पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार करें तथा इन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पंचायती राज पर सबसे पहले आएगी आपकी, इसमें अशोक मेहता, बलवंत राय, बी आर मेहता समिति, ठीक है, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आएगी। फिर आएगी आपकी अशोक मेहता समिति, है ना, फिर आएगी आपकी जीवी के राव मेहता समिति, पहले बलवंत राय, फिर अशोक मेहता, फिर जीवी के राव, फिर एलम सिंह भी। ऑप्शन इज बी। फिर उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, कौन कर सकता है कार्यों का विस्तार प्रधानमंत्री द्वारा? देखिए आर्टिकल 321 जो है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति संसद द्वारा या जैसा भी मामला हो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक अधिनियम जो है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ या राज्य की लोक सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के लिए प्रदान कर सकता है, और साथ ही एक कानून या किसी सार्वजनिक संस्थान द्वारा गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में भी है। ठीक है, फिर आता है 133वां क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें एक स्टेटमेंट हो गया, अभिकथन हो गया, एक रीजन है, कारण है। जैसे कि तिस्ता नदी पहले जो है गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा है नदी अपहरण जो है हिमालय नदियों की एक प्रमुख गुण है, हाँ जी ये भी बिल्कुल ठीक है, जो इसका ऑप्शन हो गया, ये दोनों सत्य है और एक ही जो है सही व्याख्या करता है। फिर है भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, क्या है प्राथमिक कर्तव्य? वार्षिक बजट तैयार करना, नहीं तो राष्ट्रपति को वित्त, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर संघ, फिर संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, हाँ ये ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर कौन से श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? मजदूरी संहिता 2019 में किसे सम्मिलित किया है? इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को किया है, बोनस को किया है, और समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षडयंत्र मामले में शामिल नहीं था? अब कानपुर षडयंत्र केस में शामिल कौन कौन था, आप लोग अगर चीजों को रिकॉल करें, आपने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो इसमें इसने पूछा है कि कौन कौन नहीं था इसमें। देखिए इसमें मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता भी थी, शौकत उस्मानी भी थे, एम ए अंसारी नहीं थे इसमें, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। फिर सेंसस 2011 हुआ था, उसके अनुमानों के अकॉर्डिंग भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? यूपी, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में। अब आर्टिकल आ गए हैं, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित है? अब आपको आर्टिकल सारे पता होने चाहिए भैया। देखिए जो आर्टिकल 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति आर्टिकल 46, ये भी ठीक है। सहकारी सोसाइटी का संबंध आर्टिकल 43A, ये गलत है। और इसके बाद है ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें जो है स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाता है, आर्टिकल 40, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 43A, क्योंकि 43A पता है क्या कहता है, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भारत के संविधान में है, राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठान या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा, ये आर्टिकल 43 कहता है। फिर है 139, यानी कि 139, कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है?
कौन सा है? भारती और मैत्री। चर्चा में रहा, करंट का ही क्वेश्चन है ये, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 140। जब आपने अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, किस किस को ध्यान है उसमें? स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ लेता है। ठीक है, तो बजरंग पूनिया को कौन सा पदक मिला था? बजरंग पूनिया को कौन सा पदक मिला था? आप लोगों को ध्यान है कुछ, डिस्कस करते हैं कि पीवी संधू कहाँ से पदक मिली थी इन्हें, है ना, मीराबाई चानू को रजत पदक, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। ये वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। बजरंग पूनिया, देखिए इनका जन्म हुआ था 1994 में। ये एक फ्री स्टाइल पहलवान है जिनका, जो कि कंपटीशन करते हैं 65 किलो भार में, है ना। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पुनिया ने जो है कजाकिस्तान के दौलत नियाजोबेकेव को, या फिर नियाज बेकोव को, 8-0 के अंतर से हराकर कांस्य पदक जीता था। यहाँ पर रजत पदक नहीं मिला था, यानी कांस्य पदक है। ठीक है, पुनिया जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान है। फिर है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक सम्मिलित किया गया है? कितने जिलों को किया गया है सम्मिलित भैया? इसमें 8 जिलों को। इस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, इसके बाद है 143वां क्वेश्चन, कि इसमें ग्रंथ दिया है, उनके रचयिता दिए हैं, सुमेलित करना है। रागमाला को, रागमाला के रचयिता है पुंडरिक विट्ठल। कौन है इनके? पुंडरिक विट्ठल। फिर है रस कौमुदी, रस कौमुदी के श्रीकंठ। ठीक है, राग विबोध, राग विबोध के हैं सोमनाथ, और चतुर चतुर्दंडी प्रकाशिका इनके हैं वेंकट रमन। ठीक है, अब आप सुमेलित कर लीजिए कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा वाला सही है इसका? इसका जो है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल सही बात है ये। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। फिर 145, किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? द ग्रेट रीसेट, ग्रेट नहीं, सॉरी वो गलती से निकल गया, द ग्रेट रीसेट, यह विश्व आर्थिक मंच ने प्रारंभ किया था। लॉन्ग किसका निरूपण है? लॉन्ग किसका निरूपण है? यह है फूल कली का। ठीक है, ये लॉन्ग परिवार जो है, ये एक पेड़ की सुगंधित फूल की कलियां है, यानी कि फूल कली का। फिर 147 इसका है, शीर्षक है मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को संदर्भित करती है, और शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम, ये किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। ठीक है, 148, अभिकथन दिया है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल गलत हो गया है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी है इसका आंसर। फिर है 149, इसमें योजना दी गई है और प्रारंभ वर्ष दिया गया है इसका। देखिए, आम आदमी बीमा योजना ये स्टार्ट की गई थी 2007 में। कब स्टार्ट की थी? 2007 में। फिर है पीएम आत्मनिर्भर यानी कि स्वस्थ भारत योजना, ये 2021 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्टार्ट हुई थी 2018 में, और सुरक्षा बीमा 2007 में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? किसने नहीं किया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने और ना उसको संचालित किया। तिलक जो है 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्होंने उदारवादी रवैये का विरोध किया इसके, और खासकर स्वशासन के प्रति लड़ाई लड़ी। उन्होंने बंगाल में साथी भारतीय राष्ट्रवादियों जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, पंजाब में इनका समर्थन प्राप्त था इनको, और इन इन तीनों को लाल बाल पाल यानी त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। यूपीपीसीएस का हमने 2021 का पेपर अच्छे से डिटेल कवर कर लिया, 4-5 वीडियोज में हमने इसको कवर कर लिया। अब हम 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
लेक्चर आपको ये जो इनिशिएटिव मैंने चलाया आपको ये अच्छा लग रहा है तो फिर आप लोग प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, ठीक है, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।